नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल मेड हेल्थ सपोर्ट में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जन्म के 24 घंटे में शिशु जो है वो क्यों रोता है, व्हाई डू बेबी क्राई इन द फर्स्ट 24 आवर्स। तो दोस्तों, हर स्त्री की जिंदगी में अपने बच्चे को जन्म देना एक अनोखा अनुभव रहता है, और जिसमें असहनीय दर्द के बाद अपने शिशु को गोद में लेने की खुशी मिलती है। जन्म के बाद शिशु के पहली बार रोने से ही जैसे माँ का सारा दर्द छुमंतर हो जाता है, और अक्सर नवजात शिशु रोकर ही अपनी भूख, बीमारी होने या दर्द का संकेत देते हैं। लेकिन जन्म के तुरंत बाद पहली बार रोना कुछ अलग और महत्वपूर्ण होता है। तो आज इस वीडियो के जरिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि शिशु के लिए जन्म के तुरंत बाद रोना क्यों जरूरी होता है और इससे क्या पता चलता है। सबसे पहले बात करते हैं कि क्यों जरूरी है फर्स्ट क्राई, यानी कि पहली बार रोना। तो जन्म के तुरंत बाद शिशु का रोना इस बात का संकेत देता है कि उसके फेफड़े ठीक तरह से काम कर रहे हैं, और इससे गायनेकोलॉजिस्ट को नवजात शिशु की सेहत के बारे में पता चलता है। अगर शिशु तेज रोता है तो इसका मतलब है कि वो ठीक है, जबकि धीरे रोना किसी स्वास्थ्य स्थिति का संकेत हो सकता है। जन्म से पहले तक शिशु गर्भनाल के जरिए ही सांस लेता है, और यहाँ तक कि जन्म के दौरान भी शिशु के फेफड़ों में हवा नहीं होती। हालांकि जन्म के बाद गर्भनाल को काटने के पश्चात शिशु को अपने आप ही सांस लेनी होती है। जन्म के 10 सेकंड बाद शिशु अपनी पहली सांस लेता है, और जिसमें उसके फेफड़ों में हवा भरती है और वो नाक एवं मुंह से एमनियोटिक फ्लूइड को बाहर निकालता है। और एमनियोटिक फ्लूइड यानी कि गर्भ में शिशु के आसपास मौजूद और उसे सुरक्षा देने वाला फ्लूइड। तो इसी वजह से शिशु पहली बार रोता है। कभी कभी जब शिशु इस फ्लूइड को खुद बाहर नहीं निकाल पाता, तब उस स्थिति में डॉक्टर जो है वो सक्शन ट्यूब से इसे बाहर निकालते हैं। और अब बात करते हैं कि शिशु के रोने से क्या क्या संकेत मिलते हैं। तो सामान्यतः जन्म के बाद पहले 24 घंटों में नवजात शिशु बहुत शांत रहता है। गर्भ की गर्माई और आराम के बाद जब वो बाहर आता है तो उसे नए वातावरण में एडजस्ट होने में समय लगता है। नवजात शिशु रोकर ही आपका ध्यान अपनी ओर खींचता है और अपनी हर जरूरत के बारे में बताता है, और अपनी बात कहने के लिए नवजात शिशु के पास रोने के अलावा और कोई तरीका नहीं होता है। शिशु के रोने पर माँ का ध्यान उसकी ओर जाता है, और यहाँ तक कि नींद में भी माँ को अपने शिशु के रोने की आवाज़ सुनाई दी जाती है। शिशु दिन भर में लगभग 3 घंटे रोता है, कभी कभी वो इससे ज़्यादा समय तक भी रो सकता है, और शिशु अधिकतर दोपहर के बाद और शाम को रोते हैं। तो अब बात करते हैं कि नवजात शिशु के लिए कितना अगर वो रोता है तो वो नॉर्मल कहलाएगा। तो यूनाइटेड किंगडम की नेशनल चाइल्ड बर्थ ट्रस्ट के अनुसार हर शिशु अलग होता है, और ये कह पाना काफ़ी मुश्किल है कि आपके बच्चे का कितना रोना सामान्य है। हालांकि रिसर्च कहती है कि एक दिन में नवजात शिशु का लगभग 2 घंटे तक रोना सामान्य है। अगर आपका शिशु दिन भर में 3.5 घंटे से ज़्यादा रोता है तो आपको एक बार डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए, और जैसे जैसे शिशु का विकास होता है वैसे वैसे वो कम रोने लगता है। 6 से 8 सप्ताह का शिशु दिन भर में लगभग 1 घंटा रोता है। अगर हम बात करें कि शिशु कब कब रोता है, तो सबसे पहले बात करते हैं भूख लगने पर। बच्चे सबसे ज़्यादा भूख लगने पर रोते हैं। शिशु को हर 2 से 3 घंटे में दूध पिलाने की ज़रूरत होती है। थोड़े समय में आप खुद ही भूख लगने पर अपने शिशु के संकेतों को समझ जाएंगी। जब दूध पीते समय शिशु का पेट भर जाता है तो वो अपने आप ही ब्रेस्ट से अपने मुंह जो है वो हटा लेता है। वही अगर आप शिशु को फॉर्मूला फीड करवा रही है तो उसे एक बार दूध पीने के बाद कम से कम 2 घंटे तक दोबारा दूध पीने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन ये पैटर्न हर शिशु में अलग होता है। कुछ बच्चे दूध पीने के बाद लंबे समय तक शांत रहते हैं। अगर शिशु लगातार पूरा दूध नहीं पीता है तो उसे थोड़ी थोड़ी देर में कम मात्रा में फॉर्मूला मिल्क पिला सकते हैं। दूसरा है थकान महसूस होने पर। जन्म के बाद बाहर का वातावरण शिशु के लिए बहुत अलग होता है, और वो लगातार इस माहौल में एडजस्ट होने के लिए कोशिश कर रहा होता है। आसपास के लोगों की आवाज़ से शिशु को डर लग सकता है, और उसे नींद आने में भी दिक्कत होती है। परिणाम स्वरूप शिशु को थकान होने लगती है, और जिसकी वजह से वो रोने लगता है। स्तनपान के बाद शिशु को शांत कमरे में रखें, और सुलाने से पहले उसे अपनी गोद में रखें। तीसरा है गोद में आने के लिए। शिशु हमेशा अपनी माँ के नज़दीक रहना चाहता है। 9 महीने तक गर्भ में रहने के दौरान वो अपनी माँ की आवाज़ और दिल की धड़कन को ही सुनता रहता है। जन्म के बाद शिशु अपनी माँ को स्पर्श और महक से पहचानने लगता है। शिशु को सुरक्षित महसूस करने के लिए लगातार अपनी माँ के स्नेह की ज़रूरत पड़ती है। शिशु चाहता है कि उसकी माँ उसे हर समय अपनी गोद में रखें, और इससे शिशु को खुशी मिलती है और वो खुद को सुरक्षित महसूस करता है। उसके बाद है बहुत ठंड या गर्मी लगती है तो रोता है। 9 महीने तक गर्भ में एमनियोटिक फ्लूइड शिशु को सुरक्षा और गर्माई देता है। जन्म के बाद शिशु को बाहरी तापमान में एडजस्ट होने में थोड़ा समय लगता है। समय के साथ उसकी त्वचा बाहरी वातावरण के अनुकूल हो जाती है। तब तक आपको अपने शिशु को मौसम के हिसाब से कपड़े पहनाने चाहिए। गर्माई देने के लिए शिशु को केवल 1 कपड़ा पहनाकर मुलायम ब्लैंकेट से ढककर सुला दीजिए। उसे ज़्यादा कपड़े पहनाने की गलती ना करें। छूने पर आपको शिशु के हाथ और पैर हल्के ठंडे लग सकते हैं। खासतौर पर जन्म के पहले 24 घंटों में इनका रंग हल्का नीला लग सकता है। छाती के ऊपरी हिस्से और कपड़ों को हाथ लगाकर शिशु के शरीर के तापमान का अंदाज़ा लगा सकते हैं।
उसके बाद नैपी बदलने के लिए भी वो रोता है। भूख के बाद शिशु सबसे ज्यादा नैपी बदलवाने के लिए रोते हैं। हालांकि कुछ बच्चों को नैपी बदलना अच्छा नहीं लगता और इस दौरान वो थोड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं, तो ऐसा ठंडी हवा के कारण हो सकता है। गाना गाकर या बात करके शिशु का ध्यान बटाते हुए आप नैपी बदल ले, एक हफ्ते में आप खुद ही इस काम में माहिर हो जाएंगी। दोस्तों बात करते हैं कि डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए। तो वैसे तो हर समय माँ का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए नवजात शिशु रोने का सहारा लेते हैं, लेकिन अगर आपका बच्चा लगातार रोए जा रहा है तो उसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर आपको शिशु के रोने के नियमित पैटर्न में कोई बदलाव दिख रहा है तो तुरंत पीडियाट्रिशियन यानी कि बाल रोग चिकित्सक को दिखाएं। नवजात शिशु को रोते हुए चुप करवाना बहुत मुश्किल काम है और माँ को तो ये काम दिन रात करते रहना पड़ता है। तो अगर आप पहली बार माँ बनी हैं तो आपके लिए भी अपने शिशु को संभालना और समय समय पर उसकी ज़रूरतों को समझना मुश्किल होगा, लेकिन आप जितना ज़्यादा अपने शिशु के साथ समय बिताएंगी उतना ही ज़्यादा आप उसकी ज़रूरतों, आदतों और संकेतों को समझने लगेंगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को जरूर क्लिक कर लें ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।